ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मंत्री जीएस वाली और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री जीएस वाली द्वारा बेरोजगारी का मुद्दा उठाए जाने पर उन्हें अपनी ही सरकार में बेरोजगारी यात्रा निकाले जाने की याद दिलाई, जबकि नेता विपक्ष द्वारा बीजेपी की ज्वालामुखी बैठक की बात उठाने पर कांग्रेस की शिमला बैठक में कहीं ज्यादा विरोध होने का दावा किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की तलख शब्दों में आलोचना की है। ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में शिक्षक महासंघ के कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व परिवहन मंत्री जीएस वाली द्वारा बेरोजगारी का मुद्दा उठाए जाने पर उन्हें अपनी ही सरकार में बेरोजगारों के लिए रोजगार की मांग को लेकर यात्रा निकाले जाने की याद दिलाई। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिए कई रोजगार संभावित योजना चलाए जाने का दावा भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा पूर्व में बीजेपी की ज्वालामुखी बैठक में पार्टी नेताओं के आपसी दुर्व्यवहार का विषय उठाने पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस की शिमला बैठक में जो सिर्फ फुटबॉल हुआ है उसके मुकाबले बीजेपी की पूर्व बैठक में नगण्य घटना हुई थी। उन्होंने नेता विपक्ष को मर्यादा में रहकर बयानबाजी किए जाने की नसीहत दी। महिलाओं को पीड़ित महिलाओं को 10 लाख देने की जो सरकार ने फैसला, ये जो योजना है किस तरीके से मिल रही है? ये जो 10 लाख रुपए जो पीड़ित महिलाओं को देने का जो फैसला किया गया था, हमारे बीच पधार चुके हैं, हमारे लिए देखिए कल कैबिनेट की बैठक थी, महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा निर्णय जो लगता है मुझे ऐतिहासिक निर्णय जो जनरल कैटेगरी के हमारे आरक्षण के लिए जो ऐसे गरीब लोग थे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत गरीब थी, उनकी मदद होनी चाहिए थी और वो मदद नहीं हो पा रही थी। सबसे बड़ा निर्णय हमने कल ये लिया कि जनरल कैटेगरी के लिए जो केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय के अनुसार जो है वो 10% आरक्षण उनको दिया जाएगा आर्थिक आधार पर। उस निर्णय को हिमाचल प्रदेश में भी हमने लागू करने का निर्णय लिया और इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय हमने पिछले कल कैबिनेट में, मुझे लगता है कि लगभग 66 आइटम्स हमारी कैबिनेट की थी, उन कैबिनेट की आइटम्स में से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिए हैं और उस दृष्टि से जहाँ तक आप जिस विषय को लेकर के उसकी सारी डिटेल जो है आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी जब आपको लगेगा उस सारी। देखिए बाली जी ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अपनी ही सरकार में यात्रा निकाली थी और वो यात्रा कैसी यात्रा थी, मुझे लगता है कि उससे बड़ा मजाक बेरोजगारों के साथ हो नहीं सकता है। हम व्यवहारिक पक्ष सोच करते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भी हर कैबिनेट में सैकड़ों हजारों नौकरियों का प्रावधान कर रहे हैं स्वीकृति देकर और उसके साथ साथ में उसके हट करके भी रोजगार के संसाधन जनरेट करने की दृष्टि से भी हमने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं ताकि हमारे नौजवानों को पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उसके साथ हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हों और उसके साथ साथ में बड़ी बात जो हमने जिस बात के लिए कि रोजगार अपने साधनों से खड़ा करने की दृष्टि से प्रदेश सरकार उसमें मदद करे और उसमें हमने 25% सब्सिडी का स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमारे नौजवानों के लिए और उनमें बेटियों के लिए जो है वो 30% का जो है उसमें सब्सिडी देने का प्रावधान। सर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का एक बयान आया कल, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है ज्वालामुखी में जो मीटिंग हुई कि उसको ना भूले, वहां पर बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे पर जो है थूक डाला था, कांग्रेस एकजुट है और शिमला में जो हुआ है वो निंदनीय, वो बहुत कम हुआ था वहां पर जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अपना मुंह वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में कांग्रेस के ही नेताओं के सिर फोड़ दिए गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, मामले दर्ज हो गए,
ऐसी घटनाएं आज तक के इतिहास में हुई नहीं है जो वर्तमान में, और ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो है वो जो बेनकाब हो गया, जो खास तौर से बहुत बड़ी बातें कर रहे थे और हिमाचल प्रदेश में खास तौर से जो हमारे विपक्ष के नेता ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो ज्यादा बात करने के बजाय मुझे लगता उचित रहेगा कि अपने अंदर वो झांक करके देखें और क्या हो रहा है और पार्टी को संगठन को जिस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए वहां पर लोगों ने देखा है तो उसका उदाहरण मुझे लगता है कि देखने को आने वाले समय में भी मिलेगा।